अस्सलामु अलैकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप भाइयों के लिए फ़ोन कॉल पे किसी को भी दीवाना करने का बहुत ही पावरफुल और सख्त तरीन और तेज़ तरीन मंत्र आपको बताऊंगा, जिसके ज़रिए आप सिर्फ़ फ़ोन कॉल पे घर बैठे ही किसी भी लड़की लड़के आंटी औरत को आप दीवाना बना सकते हैं। और वो इस कदर आपकी दीवानी होगी कि जब तक वो आपसे मुलाकात नहीं करेगी तब तक उसको चैन नहीं आएगा। सख्त से सख्त तरीन वजीफ़ा है, सिर्फ घर बैठे आप फ़ोन कॉल पे किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। तो वीडियो को मुकम्मल लाजमी देख लें, अमल की एक एक बात को सही तरह समझ लें ताकि आपको इसमें 100% कामयाबी मिल जाए। कोई भी हो, हर किसी को आप दीवाना बना सकते हैं, चाहे कोई लड़की है, मतलब आप जानने वाली है या अनजान है, आप किसी को भी अपना दीवाना बना सकते हैं। सिर्फ़ एक फ़ोन कॉल किसी को भी आपका दीवाना बना देगी। ऐसा ये मंत्र है और ऐसा ये सख्त तरीन मंत्र है और फौरी दिल में आग लगा देने वाला मंत्र है, शदीद दीवाना कर देगा। इस अमल को आपने जो मेरा रात के दिन करना है, वक्त रात 12 बजे, ज़कात इसकी ये है कि 6011 मरतबा मोबाइल आपने हाथ में पकड़कर, जिस मोबाइल से आपने फ़ोन करना है किसी को भी दीवाना बनाने के लिए, उस मोबाइल को आपने अपने हाथ में पकड़कर 2 दिन आपने लगातार डेली एक ही टाइम पर, पहले दिन भी एक ही वक्त हो और दूसरे दिन भी एक ही वक्त होना चाहिए, यानी कि पहले दिन भी 6011 मरतबा और दूसरे दिन भी 6011 मरतबा इस मंत्र को जो मैं बताता हूँ आपको, उसका विर्द करना है, उसको पढ़ना है। और बंद कमरे में तन्हाई में आपने इसका ज़कात अदा करनी है, कोई भी आपके आसपास मौजूद ना हो, आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी आपके पास मौजूद ना हो। अगर तो आपको ज़कात अदा करते वक्त किसी ने आपके काम में खलल डाल दी तो आपका ध्यान भटक जाएगा और फिर आपका ये अमल काम नहीं करेगा। तो तन्हाई ज़रूरी है इस काम को करने के लिए। और जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा, वो मंत्र भी बहुत छोटा सा और आसान सा है, जिसको हर कोई कर सकता है। इसको मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं, इसमें कोई परहेजगारी या पाबंदी नहीं है। जब ज़कात आपने अदा कर लेनी है तो ज़कात अदा करने के बाद आपने सिर्फ 33 मरतबा ये मंत्र पढ़ना है और मंत्र पढ़कर आपने फूंक मार देना फ़ोन के दौरान। यानी कि जब आप ज़कात अदा कर लेंगे तो ज़कात अदा करने के बाद जब फ़ोन पर आप किसी को दीवाना बनाना चाहते हैं, फ़ोन कॉल आप किसी लड़की के साथ, लड़के के साथ, आंटी, कोई भी औरत के साथ, आप जानने वाली हो, अनजान हो, उसके साथ बातचीत कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं इसको फ़ोन कॉल पर ही अपना दीवाना बनाऊँ, तो जब आपने ज़कात अदा की हुई होगी तो इस मंत्र को आपने सिर्फ 33 मरतबा पढ़ना है फ़ोन कॉल के दौरान। यानी कि जब आप उससे बात कर रहे हो तो उस दौरान आपने सिर्फ 33 मरतबा लगातार इस मंत्र को पढ़ना है और पढ़कर आपने फ़ोन में अपने मोबाइल में आहिस्ता से फूंक मार देनी है। जैसे ही आप उस पर फूंक मारेंगे तो सिर्फ चंद ही मिनट के अंदर वो आपकी मोहब्बत में दीवानी हो जाएगी, यानी कि आपकी तरफ ऐसी ऐसी दीवाना वार बातें करेगी कि वो आपके बगैर रह नहीं पाएगी, आपसे मिलने की ख्वाहिश करेगी, खुद आपसे मोहब्बत का इज़हार करेगी। और अगर आप चाहते हैं कि वो आपको मोहब्बत का इज़हार करे तो जैसे फूंक मारेंगे सिर्फ चंद मिनट के अंदर ही वो आपकी तरफ रागब होगी, आपकी तरफ मायल होगी और आपसे खुद मिलने की तमन्ना करेगी और कहेगी कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ और आपकी मोहब्बत के बगैर मैं रह नहीं सकती, वो आपसे मिलने का टाइम मांगेगी। और जो मंत्र आपने पढ़ना है वो मंत्र ये है, मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। इस मंत्र को आपने सही तरीके से पढ़ना है, किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए। कालन ओहज़िरु अलहुब्बी शदीद, कालन ओहज़िरु अलहुब्बी शदीद, सिर्फ ये 4 लफ्ज़ का बहुत ही छोटा सा और आसान सा मंत्र है। इस मंत्र को पढ़ने के बाद जो तरीक़ाकार आप भाइयों को बता चुका हूँ, बस आप इस पर अमल करेंगे तो आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं और वो आपकी हर तरह की मोहब्बत, हर तरह की बात मानेगी, जायज़ हो नाजायज़ हो, किसी भी बात का आपका इनकार नहीं करेगी। काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझे बार बार मैसेज किया था कि सर कोई आसान से आसान अमल बताएं, और कुछ चंद लोगों के ये मैसेज आए कि सर फ़ोन कॉल पे किसी को दीवाना करना चाहते हैं तो किस तरह किया जा सकता है। तो आज आप भाइयों को ये आसान सा अमल बता दिया है, इस अमल को सही तरह समझकर आपने करना है ताकि आपको इसमें कामयाबी मिल जाए। और इस अमल की इजाज़त आपने लाजमी तलब करनी है। इजाज़त के लिए आपने इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और लाइक शेयर करने के बाद आपने इस वीडियो को नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिख देना है। जो ये 3 काम करेगा उसे मेरी तरफ से इजाज़त होगी और वही इस अमल में कामयाबी हासिल कर सकता है और उस पर नज़र सानी भी की जाएगी। तो
तो काफ़ी मेरे भाई ऐसे होते हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं होता और वो खुद कोई भी अमल कोई भी वजीफा नहीं कर सकते या उन्हें अमल करने में कोई मुश्किल महसूस होती है। तो ये स्क्रीन पर आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है 0307-093-1898। आप इस नंबर पर रابطہ करके अपने किसी भी तरह का जायज़ या नाजायज़ काम करवाना चाहते हैं तो आपका हर काम 100% गारंटी और राजदारी के साथ किया जाएगा। अमलियात के ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।